कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2700 गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, लेकिन किसानों को 2200 का भाव दिया जा रहा है। सरकार ने किसानों को किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। वहीं भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा सीट से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देने की बात पर सचिन यादव ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हम तो शासन से यही मांग करेंगे कि जो उन्होंने चुनाव में जो वादा किया है उस वादे को ये सरकार पूरा करे। देखिए, उनकी उनके भविष्य का और हम सबके भविष्य का निर्णय और फैसला करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी का है, आदरणीय सोनिया गांधी जी का है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का है। वो जो जिम्मेदारी तय करेंगे, जो जवाबदारी देंगे, उस हिसाब से हम लोग एक पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है और हमारी पार्टी में प्रत्यक्ष चयन करने की प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है, और हर उम्मीदवार को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय।